और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, 1984 सिख दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 33 दोषियों को जमानत दी है। हाई कोर्ट ने दोषियों को 5 साल की सजा सुनाई थी और इस सजा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला इस बाबत लिया है। 1984 सिख दंगों से जुड़े मामले में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 33 दोषी जिनको हाईकोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी उन्हें जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सजा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में इन दोषियों ने चैलेंज किया था और 1984 सिख दंगा मामले में जो 33 दोषी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत दे दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने इनको 5 साल की सजा सुनाई थी जिसे चैलेंज किया था, चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में, या कहें कि जमानत की के लिए याचिका दायर की गई थी और उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इन 33 दोषियों को जमानत दी है। हाईकोर्ट ने इससे पहले 5 साल की सजा इन दोषियों को सुनाई थी जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत दे दी। तो 1984 सिख दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, 33 दोषी जिन्हें हाईकोर्ट ने इससे पहले 5 साल की सजा सुनाई थी, एक बड़ी विक्ट्री उसको माना जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इनको जमानत फिलहाल दे दी।